मुंबई में एक महिला से दरिंदगी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साकीनाका इलाके में एक महिला से दरिंदगी हुई है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला के रेप के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 के पारस दामा की खबर है कि आरोपी ने साकीनाका इलाके में महिला का एक गाड़ी में रेप किया और विरोध करने पर मारपीट भी की। इसके अलावा चाकू से भी हमला किया गया और यही नहीं, आरोपी ने महिला पर चाकू से भी हमला किया था। पुलिस को इसकी जानकारी उस इलाके में काम करने वाले एक गार्ड ने दे दी। बताया गया कि जिस रात ये वारदात हुई, पीड़ित रात 8 बजे अपने घर से अपनी बहन के घर के लिए निकली थी। फिलहाल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने वारदात की वजह से सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिससे सबूत जुटाए जा रहे हैं और इस सीसीटीवी में एक आदमी महिला को बड़ी बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई के साकीनाका इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक युवक ने एक युवती के साथ रेप किया और उसको टेम्पो में छोड़ के भाग गया। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसा है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, मगर हम उसी इलाके के पास खड़े हैं, उसी साकीनाका के इलाके के पास खड़े हैं जहां पर ये पूरी वारदात कल रात 3:30 बजे रात को हुई, जिसके बाद मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है और वहां बताया जाता है कि इस इलाके में एक टेम्पो खड़ा है और उसके आसपास एक युवक और युवती लड़ रहे हैं और जो युवक है वो लड़की को बहुत मार रहा है। इस पूरी वारदात के बाद लड़की बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। जब मुंबई पुलिस यहां पहुंची तो लड़की बड़ी क्रिटिकल हालत में थी और उसके बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उनको राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी युवती की हालत बेहद क्रिटिकल है और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। मौके पे जो टेम्पो था उस टेम्पो से फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सारे फिंगरप्रिंट्स और सारी तहकीकात भी की है। बहुत जल्द इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी सामने आएगी। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इस पूरी खबर पर मुंबई से पारस दामा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पारस, एक बार विस्तार से समझाइए क्या है पूरा मामला। शिवानी, ये पूरा मामला जो है वो बुधवार रात को है जब गणपति जो है वो आ रहे थे। इस समय ये जो व्यक्ति थी जिसके साथ पूरा ये हादसा हुआ था, 8 बजे अपने साकीना का घर से वो निकली थी अपने बहन के घर जाने के लिए, जहां गणपति आने थे और तैयारियां करनी थी उसी के लिए निकली थी। बट 8 बजे जब वो अपने घर से निकली उसके बाद लंबे समय तक वो अपने बहन के घर तक नहीं पहुँच पाई। परिवार चिंतित था। रात को 3:30 बजे के आसपास एक बात पता चलती है, मुंबई कंट्रोल रूम में एक फोन आता है जहां बताया जाता है कि एक व्यक्ति और एक युवक और युवती जो है वो लड़ रहे हैं, बुरी तरीके से लड़ रहे हैं साकीनाका इलाके में और जो युवक है वो युवती को बुरी तरीके से पीट रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस जब वहां पहुंचती है तो लड़की बड़ी ही क्रिटिकल हालत में वहां पाई जाती है। उसके बाद तुरंत ही उस युवती को राजावाड़ी हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। भर्ती करने के बाद उससे एक सर्जरी की जाती है क्योंकि इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई हुई होती है, इतनी बुरी तरीके से मारा होता है उस युवक ने उसको। यही राजावाड़ी हॉस्पिटल है जहां पर हम अभी मौजूद हैं, इसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अभी भी युवती जो है बेहद ही क्रिटिकल हालत में है। युवक ने बहुत ही बुरी तरीके से उसको मारा था, साथ ही साथ उसके साथ दुष्कर्म किया था और हालत जो है उस युवती की अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, बट जो सीसीटीवी सामने आया है वो बेहद ही डराने वाला है क्योंकि बुरी तरीके से मारते हुए युवक जो है वो युवती को दिख रहा है। शिवानी, यही हॉस्पिटल है जहां पर इलाज चल रहा है, बेहद ही क्रिटिकल हालत में है युवती, उनपे एक सर्जरी की गई है। अब इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, उनके गुप्तांग में भी, युवती के गुप्तांग में भी काफी ज्यादा चोटें हैं, उनके शरीर पे काफी ज्यादा चोटें हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, साथ ही साथ जिस टेम्पो में इस पूरे घटना को किया गया था उस टेम्पो पे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे सर्चेस किए हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो किए हैं जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल पाए। इस पूरे मामले में पुलिस जो है अपनी पूरी तहकीकात कर रही है। थोड़ी ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर मेयर यहाँ पहुंची है जो युवती है उसका हालचाल जानने। इस पूरे मामले में आगे
पूरी तरीके से जो है मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लोगों को बुलाया जाएगा, साथ ही साथ और सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे। शिवानी, अभी के लिए यूजी की हालत बेहद ही क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को किसी तरह बचा लिया जाए। बिल्कुल, ये दिल दहला देने वाली घटना है और अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। मुंबई के साकी नाका में दरिंदगी का वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी गाड़ी से निकलता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि इस आदमी ने महिला से मारपीट भी की है। पुलिस के मुताबिक हैवानियत की घटना गुरुवार और शुक्रवार रात 3:30 बजे की बताई जा रही है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है जबकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं सीसीटीवी में किस तरह आरोपी कैद हुआ है और पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल आरोपी है और आगे की जांच की जा रही है। पारस दामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, आरोपी पर कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? आरोपी पर काफी संगीन धाराएं लगाई गई हैं क्योंकि शिवानी जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आया था वो बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला था क्योंकि सीसीटीवी में ये साफ तौर से देखा जा रहा था कि किस तरीके से युवक जो है वो युवती की पिटाई कर रहा है, बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है और उसके बाद उसको एक टेम्पो में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। उस बीच उसके साथ दुष्कर्म भी किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्टों को भी बहुत ही तरीके से इंजर्ड किया जाता है, बुरी तरीके से इंजर्ड किया जाता है। इस पूरे मामले में संगीन धाराएं जो है वो पुलिस द्वारा लगाई गई हैं और इस पूरे मामले पर अच्छी तरीके से फोकस किया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा और पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में आरोपी को सजा दिलाई जाए। अभी जो युवती है उसकी हालत बेहद ही क्रिटिकल बनी हुई है। कुछ ही देर पहले मुंबई की महापौर भी यहां पहुंची थी और अंदर जो है वो जायजा ले रही है हालत का कि किस तरीके की तबीयत है, बट अगर सूत्रों की माने तो हालत जो है युवती की बेहद ही खराब है, क्रिटिकल है। कल उनपे एक सर्जरी जरूर की गई थी जो सफल सर्जरी थी, मगर हालात जो है वो अभी भी पेचीदा बने हुए हैं। उनकी हालत जो है कि अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह युवती को बचा लिया जाए। मुंबई पुलिस भी अपनी तरीके से सारी चीजें कर रही हैं। जिस तरीके से जो टेम्पो में घटना हुई थी उस टेम्पो को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, उस पूरे टेम्पो को सर्च किया गया, सारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, पूरे हादसे को कुछ सबूत ना मिले उसके लिए सर्च किया गया। मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जांच में कोई अड़चन ना आए और पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जांच में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए और लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वही